हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव को लेकर डेट को रिलीज कर दिया है। वैसे तो भारत में हर साल चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन जहां तक बात किया जाए जम्मू कश्मीर का, तो ये अपने आप में एक अलग मसला हो जाता है और काफी चैलेंजिंग हो जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के डिस्टर्बेंस में। और साथ में अगर बात किया जाए तो बीते कुछ सालों में चाइना भी पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है, और उस सपोर्ट को लेके पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ चढ़कर मिलिटेंसी को प्रमोट किया है। और जहां तक बात किया जाए जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेके, तो यहां पे चुनाव तीन फेजेस में होंगे। सबसे पहला जो वोटिंग होगा वो होगा 18 सितंबर को, दूसरा होगा 25 सितंबर को, और तीसरा होगा 1 अगस्त। और इसके बाद अगर आप थोड़े से अगर पॉलिटिक्स से दूर हटके आप देखना चाहेंगे, तो किसी भी स्टेट के लिए ये जरूरी होता है कि वहां पे टाइमली इलेक्शन हो। अगर टाइमली इलेक्शन नहीं होता है तो जो लोगों के अंदर गुस्सा होता है वो बढ़ता जाता है, और कहीं ना कहीं अगर वो एक गुस्सा हद से अधिक बढ़ जाए तो फिर उसी स्टेट को उसका नुकसान होता है। जैसे कि अगर आप अभी का सिचुएशन देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, तो मोर और लेस इसको एलजी कंट्रोल करते हैं, और जितने भी जो अपोजिशन वाले हैं वो बढ़ चढ़कर हर रोज किसी ना किसी तरीके का स्टेटमेंट को रिलीज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होते हैं तो वो बढ़ चढ़कर स्टेटमेंट्स को रिलीज करते हैं। जब आप उनके स्टेटमेंट्स को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास सभी समस्याओं का हल है, लेकिन जब वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि जितना प्रॉमिसेस उनके द्वारा किया गया था उसमें से हार्डली किसी प्रॉमिसेस को फुलफिल किया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर बहुत दिनों तक एलजी का ही शासन रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो जो ऑब्जेक्टिव था आर्टिकल 370 को हटाने का, वो ऑब्जेक्टिव अपने आप में फेल हो जाएगा। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो बीते कुछ सालों में चाइना बढ़ चढ़कर पाकिस्तान को मदद किया है, और उस मदद से पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ा है। तो ये भी जरूरी होता है कि किसी भी स्टेट में उतना ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए जितना सही है। अगर आप किसी भी तरीके से एक लिमिट से अगर आप अधिक पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट दिखने में एक कंप्लीट तरीके से मिलिट्री का छावनी लगेगा, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी हो चुका है, ये स्टेट नहीं रहा है। और साल 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, तो उसके बाद बीजेपी और पीडीपी दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं थी। 2018 में पीडीपी और बीजेपी में कुछ मतभेद होता है, जिसके बाद सरकार गिर जाती है, और उसके बाद अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है, जिसके बाद नॉर्मली जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था स्टेट में वो काफी बढ़ जाता है, ताकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर का अगर सिचुएशन हो तो हमारे पास पर्याप्त फोर्सेस रहे उन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद जो भी बॉर्डरिंग स्टेट होता है, ना कि भारत में बल्कि पूरे दुनिया में, वो वैसे भी सेंसिटिव होता है। नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हमारे दिमाग में क्या एक परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमारे में से जितने भी लोग जो ये परसेप्शन बना के रखे हैं अपने दिमाग में, वो हार्डली कभी अपने पूरे जिंदगी में जम्मू एंड कश्मीर गए होंगे या किसी भी तरीके से कश्मीरियों से मिले होंगे। लेकिन ये परसेप्शन हमारे दिमाग में बना हुआ है क्योंकि कुछ लिमिटेड वीडियोस को हम अपने फोन में देखे हैं, और हम पूरे जम्मू कश्मीर को मान बैठे हैं कि वहां के लोग अच्छे नहीं होते हैं और प्रो पाकिस्तानी होते हैं। ये बेहद जरूरी होता है कि ग्राउंड पे जाएं और चीजों को देखें और समझें, और साथ में हम ये भी देखें कि अगर वहां के लोगों के अंदर अगर नाराजगी है तो वो नाराजगी क्यों है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि जब किसी स्टेट में आप डेवलपमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी वहां के लोगों में काफी आक्रोश रहता है, लेकिन क्योंकि ये सब एक पॉलिटिकल फेलियर है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फेलियर को एडमिट नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक बात किया जाए जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास करके पीडीपी और एनसीपी, मोर और लेस सत्ता इनके पास ही रही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो बंटाधार करने के पीछे का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो वहीं के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आज के डेट में अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आपको पढ़ के या सुन के ऐसा लगेगा कि वो लोग कितना ज्यादा कंसर्न है अपने स्टेट को लेके, लेकिन जब सत्ता उनके पास था तो ठीक उसके विपरीत वो लोग काम कर रहे थे। और साथ में अगर कहीं पे प्रॉपर डेवलपमेंट होता है तो वहां पे लोग एज एन टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो जब आप किसी भी जगह पे एज एन टूरिस्ट बन के जाते हैं तो वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो आपसे बात करते हैं, और उनका जो बिजनेस होता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जब तक लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, या किसी भी तरीके से अगर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ेगा, तो जो यूनिटी वाला फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। और जहां तक बात किया जाए साल 2000
2024 का लोकसभा चुनाव के बारे में तो जम्मू कश्मीर में टोटल 58% से भी अधिक वोटिंग परसेंटेज रहा था। वहीं पे बात किया जाए तो बिहार में 56% रहा था और ऑल ओवर इंडिया में कुछ 65% से अबव रहा था। तो ये मानना कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रो पाकिस्तानी हो या तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये धारणा अपने आप में ही गलत है। जो कॉमन सिविलियंस होते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रहे चाहे वो तमिलनाडु के रहे, उनका बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि सरकार उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे, बेसिक जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दे और समय दर समय रोजगार के लिए कुछ करते रहे। तो कितनी बार ये भी देखा गया है कि जो कॉमन मिनिमम जरूरतें होती है लोगों की, सरकार उसको भी फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये सारे भी वजह होते हैं कि क्यों वहां के लोगों में नाराजगी बढ़ जाती है और उस नाराजगी का जो इस्तेमाल है वो वैसे देश करते हैं जिनके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं होते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से टोटल 87 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर हो जाता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो वहाँ के चैलेंजेस अगर उसको हम देखें तो, और उसके बाद ये भी जरूरी होता है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में, जब उनको रूल करने का मौका मिलेगा तो जो वहाँ के सिविलियंस है, जो लोकल है, उनको ये मालूम पड़ेगा ना कि जब ये ऑपोजिशन में थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगर हम रिसेंट बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो शेख हसीना की सरकार 2009 से सत्ता में थे, तो ये भी एक वजह था कि क्यों वहां पे अवामी लीग को लेके वहां के लोगों के अंदर काफी नाराजगी था। तो डेमोक्रेसी में एक जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि आपके पास वो हक होता है जहां पे आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर सके अपने हिसाब से और सरकार को बना सके और बिगाड़ सके। इससे नॉर्मली क्या होता है कि जो लोगों के अंदर का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होता है वो शिफ्ट होता रहता है। अगर वो स्टोर होता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए काफी घातक है और खास करके उस स्टेट के लिए जिसका बॉर्डर लगता हो पाकिस्तान के साथ। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।